शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, ये वैदिक ज्ञान की चर्चा का प्रसंग है। इसमें हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की चर्चा करते आ रहे हैं और इस चर्चा में हमने पीछे 8वें मंत्र की चर्चा की थी। जैसे पूरे सूक्त का ऋषि बृहस्पति है और देवता ज्ञान है, उसी तरह से इस मंत्र का ऋषि भी बृहस्पति है और देवता ज्ञान है। मंत्र था हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः अत्राहात्वं विजहुर्वेद्याभि ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत। हमने पिछले पंक्ति पर विचार करते हुए देखा था कि ज्ञान के लिए जब हम बैठते हैं तो अपने ज्ञान के मनन चिंतन से उसको परिष्कृत करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं, निर्णयात्मक स्थिति में पहुंचाते हैं और उससे भी आगे की जो परिस्थिति है वो है चर्चा की, जिसको ज्ञान यज्ञ कहा गया था, संयजन्ते सखाया। अब यहाँ दो बात कह रहा है अगले पंक्ति में, अत्राह त्वं विजहुर्वेद्या भी वो ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे, अर्थात कौन लोग इस चर्चा से वंचित रह जाते हैं और कौन लोग इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, भागीदार बन जाते हैं, ये बात यहाँ दो तरह से इस पंक्ति में कही गई है। एक कहता है अत्राहत्वं विजहुर वेद्यावि, कहता है कि जो लोग इस ज्ञान को पकड़ नहीं पाते, इस ज्ञान के प्राप्त करने वालों के साथ साथ नहीं चल पाते तो क्या होता है, विजहुर वेद्यादि, जो जानने वाले लोग हैं वो उनको छोड़ देते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और जो आगे बढ़ते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। कहता है ओ ब्रह्माण, रोचक बात क्या है, पढ़ते तो सभी हैं लेकिन पढ़ने के बाद उसका उपयोग करने का जब अवसर आता है, कुछ लोग उपयोग कर पाते हैं और कुछ लोग उपयोग नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि लोग जो हैं पढ़ तो चुके हैं लेकिन उपयोग नहीं कर पाते, क्यों, उसको आत्मसात नहीं कर पाते, अपने लिए उपयोगी नहीं बना पाते। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ कही गई है, ओह ब्रह्माण, मतलब ज्ञान के बाद जो चीज़ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए या होती है वो है ऊह, ऊहा, उसको आप तर्क कहते हैं, उसको आप युक्ति कहते हैं। संसार में युक्ति कहते हैं और इसका एक भाषिक शब्द है, लोकभाषा का शब्द है जुगाड़, अर्थात कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें मिला करके अपना काम सिद्ध करने के लिए कोई साधन बना लेते हैं, कोई उपाय कर लेते हैं तो हम उसे जुगाड़ कहते हैं। तो ये जो ऊहा है ये उसी का परिणाम है, ऊहा के कारण ही ऐसा होता है। हम उसकी उपयोगिता की वस्तु को पहचानते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। बहुत पहले एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, वो कहने लगे कि एक राजा साहब के यहाँ एक कोई अतिथि दूसरे राजा आए
और बैठे बातचीत कर रहे थे, तो स्वागत के लिए जो इलायची दान था उसको लेकर आए, तो सेवक ने देखा कि उसमें इलायची तो एक ही पड़ी है, यदि वो अपने हाथ से देगा तो एक को देगा और दूसरे को नहीं देगा, और दूसरे को नहीं देगा तो ये स्थिति में दोनों ही बातें अपमानजनक होंगी। एक बात अपमानजनक ये होगी कि राजा के पास वस्तु ही नहीं है देने के लिए, और दूसरा एक को देना और एक को न देना ये अच्छा नहीं लगेगा, शिष्टता नहीं लगेगी। सेवक ने बड़ी चतुराई से एक काम किया और उसने अपने राजा साहब से कहा कि आप ये इलायची लीजिए और अपने अतिथि को दीजिए। उन्होंने उस चीज को देखा और देखने के बाद अपने हाथ से इलायची लेकर अपने अतिथि को दे दी। इससे राजा का तो सम्मान भी रह गया और इस बुद्धिमत्ता से वस्तु की कमी भी नहीं खली। ये ऐसी परिस्थिति में इस तरह का जो उपाय है ये ऊहा है। हमारी जो समस्याएं हमारी पंक्तियों से स्पष्ट नहीं होती या पंक्तियां हमारे सामने उपस्थित नहीं होती, तो उस समय हम अपने अंदर अपनी बुद्धि से जो बात सोचते हैं कल्पित करते हैं उससे यदि समस्या का समाधान हो जाता है तो वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी बनता है ऊहा के कारण। तो तत्पद ज्ञानार्थम ऊहस तर्क, अर्थात तत्पद ज्ञान या परिणाम या जो निर्णय उसकी प्राप्ति के लिए जब कोई हम ऊहा करते हैं, सोचते हैं, कोई विचार करते हैं, वो ऊहा जो है तर्क कहलाती है। और इसका कितना महत्व है, आचार्य यास्क ने एक जगह इसको बड़े विस्तार से लिखा है। प्रकरण ये चल रहा है कि मंत्र जो हैं उनका ज्ञान अक्षर है, न अक्षरम भवति, कभी नष्ट नहीं होता है वो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जो नित्य है, तो जो नित्य स्वयं है तो उसका ज्ञान भी नित्य ही होगा। तो ऐसा जो ज्ञान हमको मंत्रों के माध्यम से मिला है, तो ये कहता है कि जब उन मंत्रों की आप चर्चा करें तो कहता है प्रकरण शैव मंत्रा निर्वक्तव्या, उन प्रकरणों पर विचार करते हुए उनके आगे पीछे के जो प्रसंग हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं, उन पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, न तो पृथकत्वेन निर्वक्तव्या, उनको प्रसंग से हटाकर अलग से तोड़कर वर्तमान संदर्भों में जोड़कर हम उसका अर्थ करें तो बनेगा नहीं। तो इस दृष्टि से वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में एक वो घटना देते हैं। वो कहता है कि ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवा अब्रुवन कोनो ऋषिर् भविष्यति इति, मनुष्यों ने देवताओं से पूछा अब ऋषि तो यहाँ से जा रहे हैं, मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कोनो ऋषिर् भविष्यति, तो हमें अब मार्ग दिखाने वाला कौन होगा, क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ है दृष्टा, जो दूर तक की देखता है, जो वर्तमान के साथ ही नहीं आज के भविष्य को भी जानता है, जो आज काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है उसके परिणाम से भी जो परिचित है, ऐसे परिणाम के जानने वाले व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। शास्त्र कहता है ऋषिर दर्शनात्, जो देखता है, गहराई में देख सकता है, सूक्ष्मता से देख सकता है, पीछे छिपी हुई चीज को देख सकता है, हमारे वर्तमान से आगे की चीज को जो देख सकता है वो हमारा ऋषि है। तो ऋषि लोगों का काम है वेद के मंत्रों में जो अर्थ छिपा हुआ है उसको बताना।
तो इसलिए हम उन्हें ऋषि कहते हैं। हम मंत्र पढ़कर जो सामान्य अर्थ है वो हमारे समझ में नहीं आता या उसकी हमसे संगति नहीं लगती, तब हम उन लोगों से उस अर्थ को पूछते हैं जो हमसे अधिक जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं। वो अपनी ऊहा से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से हमारी शंकाओं को निराश कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, वो शंकाओं को मिटा देते हैं। तो इसलिए मनुष्यों ने देवताओं से पूछा, ऋषिषु उत्क्रामत्स, जब ऋषि इस संसार से विदा हो रहे थे, देवान अब्रुवन कोनो ऋषिर भविष्यति, अब हमारा ऋषि कौन होगा, हमारा मार्गदर्शक कौन होगा, रास्ता दिखाने वाला कौन होगा। ऋषयः तर्कम ऋषिम प्रायच्छन्, उन्होंने मनुष्यों को तर्क का ऋषि दे दिया। ये तर्क जो है ये ऋषि का काम करता है, ये छिपी हुई बात को प्रकट करता है, निकाल कर लाता है, और ये ऊहा से प्राप्त होता है। इसलिए जो तत्व ज्ञान के लिए ऊहा होती है, ऊढ़म आर्षम तत्व, जो ऊहा से प्राप्त है वो आर्ष है, ऋषि प्रोक्त है। इसमें एक रोचक चीज और भी याद रखने की है, ये जो ऋषित्व तर्क के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो तर्क तो जो अंधऋषि है उसके पास भी तो होता है, होता है, लेकिन उसका जो प्रयोग होता है ऋषि के प्रयोग से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे माली की कैंची काटती तो है लेकिन बगीचे को सुंदर बनाती है, और मूर्ख व्यक्ति की कुल्हाड़ी काटती तो है पर बगीचे को उजाड़ कर देती है, व्यर्थ बना देती है, सुंदरता से रहित बना देती है। तर्क दोनों के पास है, तर्क का दोनों प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात तर्क का एक विरोधी प्रयोग कर सकता है, एक अनजान व्यक्ति कर सकता है, एक दुष्ट व्यक्ति कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो समझदार है, विद्वान है, ऋषि है, वो भी तर्क का उपयोग करता है। तो दोनों के तर्क का उपयोग करने में अंतर क्या होता है? जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, मनु ने कहा था, आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिना यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। वो कहता है अनुसंधान तो तर्क से ही होगा, जंगल में रास्ता तो कुल्हाड़ी से ही बनेगा, बगीचे की सुंदरता तो कैंची से ही आएगी, लेकिन वो बिना बुद्धि के नहीं चलेगी। यदि बिना बुद्धि के कैंची चलेगी तो अनर्थ और विनाश होगा। इसलिए कहता है यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद, जो तर्क से अनुसंधान करता है वो धर्म को जानता है, दूसरा लोग नहीं जानते, नहीं जान सकते। लेकिन एक शर्त लगाई है, आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिना, वो जो तर्क हो, वो ऊहा हो, वो हमारे जो वेद का लक्षण है, वेद का जो प्रयोजन है, वेद का जो उद्देश्य है, उसके विरोधी ना हो। क्योंकि तर्क ऐसी चीज है जैसे कुल्हाड़ी है, फरसा है, कैंची है, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि इससे कौन सी चीज कटेगी कौन सी नहीं कटेगी। ये काटने वाले पर निर्भर करता है, वो कुछ भी काटे, वो कैंची से बगीचे की तरह सुंदरता को बनाए या जंगल की तरह निर्जन कर दे, वृक्षों से विहीन कर दे, उद्यान को समाप्त कर दे। तो इसलिए एक यहाँ पर शर्त रखी गई, और वो शर्त क्या है? कहता है आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिन, अर्थात हमारा तर्क जो हो वो हमारे जो पुराने निर्णय हैं वेद के, शास्त्र के, ऋषियों के, उनका विरोधी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यदि आप उनके साथ अनुसंधान करते हैं तो वो तर्क आपके अनुसंधान में सहायक है और आपको धर्म तक पहुंचाता है। इसके विपरीत यदि आप करते हैं
कहता है कि आर्षम धर्मोपदेशम, जो ऋषियों के द्वारा दिया गया उपदेश है, उस तर्क उसके उपदेश की पुष्टि का काम करता है, उसको निरस्त करने का काम नहीं करता। इसलिए तर्क का उपयोग तो दोनों कर सकते हैं, बुद्धिमान समझदार मनुष्य भी कर सकता है, वितंडावादी दुष्ट व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन वही तर्क मान्य और स्वीकार्य होता है जो तर्क हमको हमारे प्रयोजन से जोड़ता है, हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, मंत्र में बताए गए भाव को हमारे हित के लिए समझाता है। तो मंत्र में जो बात कही गई है, तो पहली बात ये कही कि जो व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाते, जिनके अंदर वो ऊहा नहीं होती, अत्राहत्वम विजहुर वेद्यादि, वो जानने वालों से न जानने वाले पृथक हो जाते हैं, अलग चले जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। और ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे, जो ऊह ब्रह्म वाले लोग हैं, जिनके अंदर सूझ है, जिनके अंदर कल्पना है, जिनके अंदर ऊहा है, जिनके अंदर तर्क है, जिसमें नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा है, वो चीज को नई तरह से देख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए वेद ने एक शब्द प्रयोग किया है, ऊह ब्रह्मणि। ऊह का जो ज्ञान है, ऊह तर्क से आधारित तो जो ज्ञान है, उसमें विचरन्ति, वो लोग उसमें विचरण करते हैं। अर्थात जब हम संवाद करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो एक व्यक्ति एक बात की स्थापना करता है, तो दूसरा व्यक्ति या तो तर्क से उसको पुष्ट करता है या तर्क से उसको खंडित करता है। तर्क से उसको पुष्ट भी कर सकता है और तर्क से उसको खंडित भी कर सकता है। खंडित करके ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए निरुपयोगी सिद्ध हो, या ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ वास्तव में हमारे लिए बहुत उपयोगी हो, लेकिन इसका निर्णय जो होगा वो ऊहा से होगा, तर्क से होगा, विचार से होगा। इसलिए हमारे यहाँ जो जानने की पद्धति है, वो श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, साक्षात्कार है। केवल सुनने मात्र से किसी चीज़ की बात नहीं बनती। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, उसके बाद उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, हम श्रवण मनन निधिध्यासन, तब हमें निश्चय हो जाता है, तब उस चीज़ का हम उपयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको काम में लाते हैं, निर्णय के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। तो इस मंत्र में जो बातें समझाई गई वो ये हैं कि पहले तो हमको ज्ञान को सूक्ष्म और अच्छा बनाना है, और ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना है जो ज्ञान की चर्चा करते हैं। हमको उनसे अलग हो जाना है जो ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते, और हमें वो योग्यता लेनी है जो तर्क से हम ज्ञान के अंदर विचरण कर सकें। इसलिए कहा है वो ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे। ओम।